hello class today i am going to teach you your chapter 7 the title is packing which was written by jerome uh, let us start the explanation of the chapter in this chapter the narrator of the story jerome was proud of his packing skill he was supposed to go on a trip with his friends george and harris he told them to leave the whole matter of packing to himself to which they readily agreed george sat on easy chair and harris uh, his legs on the table and uh, voiced jerome, uh, to, uh, vo voiced jerome to, the, uh, to do the packing but uh, this wasn't that jerome wanted when he said that he wanted to do all the packing himself what he meant was uh, that he was willing to be in charge of everything and direct his friends to work efficiently under his supervision

जो जीरोम वो उनको अपने अंदर एक प्राउड था कि वो जो उनका जो पैकिंग स्किल है वो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं और वो अपने उनके जो दो फ्रेंड्स थे जॉर्ज और हैरिस उनके साथ वो आ, कहीं घूमने जाने के लिए उन्होंने कोई प्लान बनाया था और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया था कि आपका जो ये पैकिंग मैटर है ये पैकिंग वाला जितना भी वर्क है आप आप उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो जैसे ही उनके फ्रेंड्स ने यह सुना तो जो उनका जो फर्स्ट फ्रेंड जॉर्ज था वो आराम से चेयर पर बैठ गया और जो हैरिस था वो भी अपने पैर फैला के आराम से आराम से बैठा हुआ था टेबल पे उसने पैर फैला के वो बैठा हुआ था और जो और दोनों बैठकर क्या कर रहे थे जिरोम को पैकिंग करते हुए देख रहे थे लेकिन जिरोम ने जो उनको बोला कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए उसके कहने का मतलब वो नहीं था कि तुम लोग बैठ जाओ पैकिंग मैं करूँगा बल्कि वो ये कहना चाहते थे कि जो भी ठीक है वो इंचार्ज रहेगा और जो भी पैकिंग कैसे करनी है क्या करनी है वो उसके दोनों फ्रेंड्स उसके सुपरविज़न में करेंगे लेकिन उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो पैकिंग का पूरा काम कर रहा है और वो दोनों उसके जो फ्रेंड है वो बेकार से ऐसे ही बैठे हुए हैं तो उस उसकी जो जो जीरोम की जो एक एनर्जेटिक जो नेचर था उसका सुपरविज़न करने का वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था वॉट हैपन द नेक्स्ट वेन ज़ीरोम पैक्ड द बैग Harris pointed out that Jerome had forgotten to pack the boots, so he had to open the bag again and pack his boots in. And just he was uh, going to close it, he doubted uh, if uh, had packed his toothbrush. Whenever he would be about to travel, he would uh, get nightmare of forgetting to pack his toothbrush. Then he would wake up and go uh, on to hunt for it then in the morning he would pack it before he used it and then he had to unpack again to get it and would repack forgetting to put the toothbrush in, um, in again then he had to rush upstairs to fetch it he always end up carrying the toothbrush wrapped up in his pocket handkerchief अब देखिए अब होता क्या है ठीक है जीरोम ने उनको कुछ नहीं बोला वो पैकिंग करने लगा और जैसे ही उसने बैग को पैक किया तो हैलिस ने उसको पहले सबसे पहले याद दिलाया कि तुम उसने उसके जूते नहीं रखे हैं इसलिए उसने वापस बैग को खोला फिर अपने उसने जो बूट्स थे बूट्स को अंडर अंदर डाला देन उसके बाद फिर जैसे ही वो उसको वो वापस पैक करने लगा तो उसको उसको ख़ुद को शक्ल हुआ कि उसने शायद अपना टूथब्रश रखना वो भूल गया है और हमेशा उसके साथ ऐसा होता था कि जब वो कहीं कभी भी ट्रैवल के लिए जाता था तो वो अपने टूथब्रश को रखना ही भूल जाता था और उसको हर बार काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी इसके लिए और फिर वो वापस जैसे कहीं जाता तो फिर बैग खोलता फिर ढूंढता पूरा सामान फैला देता फिर उसको ब्रश नहीं मिलता तो उसको जब याद आया तो वो अपने अपस्टेज पर अपने ब्रश को लाने के लिए गया और हमेशा वो उसका हमेशा जो ये पैकिंग वाला वर्क होता था वो ऐसे ही होता था कि लास्ट में वो अपने जो ब्रश को जो अपने जो पॉकेट का हैंगर चीफ होता उसमें पेट के फिर वो लेके आता था लेकिन इस बार उसको पहले ही याद आ गया देन एज यूजल एज यूजल जीरोम हैड टू सर्च द होल बैग ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रश एटीन टाइम ओवर बट ही कुड नॉट Find his own toothbrush at last. He found it inside a boot and he had to repack once more. After he was done, George asked him if the soap was in, but Jerome was so exhausted that he uh, just uh, uh, didn't seem to care. But after he strapped the bag again, he noticed that he had packed his spectacles inside and he had to open the bag again. Finally, he finished packing at 10, uh, 10 5 pm and now. जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू पैक द फूड हेम्पर्स अब होता ये है कि ठीक है उसका दो जो उसकी मिस्टेक्स थी कि उसने बूट नहीं रखे और ब्रश नहीं रखा वो जब उसका शॉर्ट आउट होता है नहीं ब्रश अभी उसने नहीं रखा था तो ब्रश वापस वो बैग को खोलता है और बैग को खोलता है तो वो देखता है कि जॉर्ज और हैरिस का बार बार उन्हीं लोगों का एटीन टाइम्स उन्हीं लोगों का ब्रश उसके हाथ में आ रहा था मीन्स वो अपना रखना भूल गया था ठीक है उसने बूट को भी अंदर कर दिया फिर उसने उसको पैक किया फिर उसने ब्रश भी उसको मिल गया उसने ब्रश को भी उसने रख के पैक कर दिया उसके बाद जोर्ज उसको बोलता है कि क्या तुमने साबुन अंदर रखा है लेकिन अब जीरो में इतना थक चुका था कि उसने बिल्कुल उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और आ, तभी उसको ध्यान आया कि उसने जो अपने उसका जो स्पेक्टिकल्स है उसके जो चश्मा है उसने अपने चश्मे को अंदर रखा है कि नहीं रखा है फिर वापस से उसने अपने बैग को खोला फिर वापस उसने पूरा सामान पैक किया और फाइनली जो उसने पैकिंग को लास्ट टच दिया वो टेन फाइव पी एम यानी रात के दस बजकर पाँच मिनट पर उसकी पैकिंग कम्प्लीट हुई फिर जॉर्ज और हैरिस ने डिसाइड किया कि ठीक है अब जो खाने वाला जो जो भी उनको रखना है उसका टेंशन वो नहीं लेगा वो दोनों ही मिलकर उसको रखेंगे Okay. What happened the next? Uh, George and Harris started by showing that they were better than Jerome at packing. Um, Jerome was excited to see how they would proceed. As he anticipated, they started with breaking a cup. Then Harris accidentally squashed a tomato by packing strawberry jam on top of it. And then he had to pick out the tomato with a teaspoon. Moreover, George stepped on the butter. Now it was Jerome's turn to sit back and wash them, which irritated them. They stepped on things, put things behind them, and they were unable to find them when they needed them. They put the pie at the bottom and put heavy things on top of it, which ended up ruining the pie. They poured salt all over the place and uh, did wonders with butter. अब देखिए उसने अभी तक जो जरूम ने किया उसको तो बार बार उन्होंने ये रखा कि नहीं रखा वो रखा कि नहीं रखा उसको इतनी बार उन्होंने पैकिंग खुलवाई लेकिन अब जब जॉर्ज और हैरिस की जब पैकिंग करने की बारी आती है तो वो उसको जरूम को ये शो करना चाहते थे कि वो उससे ज़्यादा अच्छी पैकिंग कर लेते हैं और जो जरूम था वो भी बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि वो दोनों इसको कैसे करेंगे और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ सबसे पहले उन्होंने शुरुआत उनकी किसी एक कप को तोड़ने से हुई उसके बाद जो आ, हैरिस था उसने आ, अचानक से उस जो टोमेटो था जो जो टमाटर थे वो उसको स्क्वेस्ट कर दिया मतलब टमाटर वो दब गया टूट गया टमाटर और और क्यों टूटा क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी जैम की जो बोतल थी उन्होंने उस टमाटर के ऊपर रख दी वो दबा तो टमाटर टूट फूट गया और पूरा गंदा हो गया वहाँ देन ही हैड टू फिर उस टमाटो को निकालने के लिए उन्होंने एक टी स्पून लिया उस टी स्पून से उन्होंने पूरे टमाटर को पूरे बैग में से खाली किया उसके बाद अब आगे देखिए आगे क्या होता है कि ये तो हैरिस ने किया उसके बाद जो जॉर्ज था जॉर्ज ने क्या किया बटर के ऊपर अपना पैर ही रख दिया और अब क्योंकि जीरोम की बारी थी बैठने की वो सब देख रहा था और बहुत इरिटेटेड भी उसको लग रहा था बहुत इरिटेट हो रहा था वो ये सब देख कर और वो क्या कर रहे थे वो एक चीज़ रख रहे थे दूसरी चीज़ को पीछे रख दे रख दे रहे थे और जब उस पीछे वाली चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ रही थी तो वो भूल जा रहे थे कि उन्होंने उसको अलग से हटा के रखा है फिर उन्होंने एक मिस्टेक और किया कि जो पाई होता है इट्स अ काइंड ऑफ डिश तो जो पाई होती है उन्होंने क्या किया पाई को नीचे रख दिया और जितना हैवी जो मटेरियल था हैवी मटेरियल को सारा उन्होंने ऊपर कर दिया और रिज़ल्ट इसका क्या हुआ कि जो पाई थी वो पाई खराब हो गई फिर उन्होंने क्या किया बहुत सारा नमक लेकर जगह जगह पर नमक उनको रखना था तो वो पूरा नमक उन्होंने यहाँ वहाँ पूरा उनका नमक यहाँ वहाँ उनका नमक फैला दिया और फिर जब ये भी कर दिया उसके बाद फिर वो बटर को लेकर फिर वो पूरा उनका खोजबीन उनकी तलाशी सब कुछ चालू हो गई फिर क्या होता है जॉर्ज गॉट द बटर स्टक टू हिज स्लीपर्स आफ्टर ही गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स अब जो जॉर्ज है उसको देखता है कि अरे ये तो उसकी स्लीपर्स के अंदर बटर चिपक गया फिर वो बटर को अपने स्लीपर्स में से निकालता है दे अटेम्पट टू पुट इन इन द कैटल बट इट वुडन्ट गो इन वो फिर उन्होंने बटर को जो निकाला तो बटर को निकाल के वो एक केटली थी उस केटली के अंदर उस बटर को रखने लगे लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा रहा था देन दे पुट इट डाउन ऑन ए चेयर बट हैरिस सेट ऑन इट उसके बाद उन्होंने उस बटर को निकाला और बटर को निकाल के फिर वो जो बटर को निकाल के उन्होंने एक चेयर के ऊपर रख दिया और चेयर पे रखने के बाद क्या हुआ कि आ, फिर वो वहाँ चेयर पे रख के उस वो भूल गए कि उन्होंने बटर को कहाँ पे रखा है और बहुत ढूँढने के बाद जब उन्होंने बहुत सर्च किया तो उन्होंने उनको ये पता लगा कि जो जो आ, जो हैरिस है वो हैरिस uh, के पीछे वो बटर लग गया है और क्योंकि वो शायद उस चेयर पे बैठा होगा तो वो उस चेयर के साथ ही वो बटर उसके पीछे लग गया था और पूरा टाइम वो पैकिंग को इसी तरह वो पूरे घर को फैलाते रहे वो घर उनका ऐसे ही फैलता रहा उसके बाद वॉट हैपन द नेक्स्ट एंड देन देयर पैड डॉग देयर पैड डॉग मॉन्टे कैम इन टू सीन एंड Uh, came into the into the scene only to add the commotion uh, Merency was a uh, naughty dog whose aim in life was to create hurdle and uh, get scolded it was only when he was screamed at that uh, at that he he felt that his day had not been wasted so, just when things were ready to be packed, uh, he came into the room and sat on them. Uh, whenever Harris or George extended uh, their hand for anything, Montemerency made, made it uh, a point that they reached for his nose. He put his leg into the jam, uh, disorganized the uh, teaspoon, and uh, hampered the lemons. अब देखिए क्या होता है कि तभी जो उनका जो उनका एक पैट डॉग रहता है जिसका नाम मेरेंसी होता है वो अंदर आ जाता है और वो और ज़्यादा गड़बड़ी के अंदर वो वो भी गड़बड़ी करने लगता है तो मॉन्टेमेरेंसी किस टाइप का डॉग है उसका ऐसा लगता है जैसे मस्ती करना ही और किसी चीज़ को बिगाड़ देना ही जब तक वो डांट नहीं खाता तब वो हर चीज़ को बिगाड़ता यही उसका एम था मॉन्टेमेरेंसी का उनके पैट डॉग का मतलब कुछ ना कुछ वो गलत करता था और इस बार फिर जो जरॉम है वो उसको उसको डांटता है और उसको लगता है कि चलो ठीक है अब उसने कोई काम बुरा नहीं किया उसको डांट के वो एक जगह बिठा देता है और तभी सब जब सामानों की पैकिंग होती रहती है वो वो धीरे से वो एंटर वो जो डॉग है वो अंदर रूम के अंदर एंटर हो जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है और जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी भी चीज़ को आ, आ, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए जब वो हाथ बढ़ाते वो चीज़ उनको यहाँ नहीं मिलती और उन्हें पता लगता है कि जो मॉन्टी मेरेंसी है वो उस वो, वो वो उस चीज़ को उठा के ले गया और फिर और क्या, क्या क्या गड़बड़ की उनके पैट ने तो उनके जो पैट था उसने जैम के ऊपर पैर पैर रख दिया और जो टी स्पून थे उसको पूरा डिसऑर्गेनाइज कर दिया उसको पूरा आ, पूरा उसको कहीं दूर दूर फैला दिया और जो बहुत सारे जो लेमन्स थे लेमन्स को भी उसने कुचल दिया तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ फिर उनके मॉन्टी उनका जो पैट था उसने किया वॉट हैपन एट लास्ट आफ्टर अनकाउंटेबल ऑब्स्टिकल एंडली फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट ट्वेल्व फिफ्टी एंड हैरिस सेट ऑन देंपर हॉपिंग दैट नथिंग वॉज ब्रोकन जॉर्ज कंसोल्ड हिमसेल्फ एंड हैरिस बाई सेनीथिंग वॉज फाउंड ब्रोकन देन इट वुड बी बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन और कई गलतियां करने के बाद और कई बाधाएं आ जाने के बाद उनकी जो फाइनल टच जो उनकी पैकिंग का हुआ वो कितने बजे हुआ ट्वेल्व फिफ्टी यानी लगभग एक बजने में दस मिनट कम थे बारह पचास नाइट में उनकी वो पैकिंग पूरी हुई जो हैरिस था वो पूरे जो भी हैम्पर हुआ था जो भी गड़बड़ी हुई थी उसके ऊपर बैठ के फिर वो बोलता है कि अब मैं आशा करता हूँ कि कोई चीज़ टूटी ना हो और जो जॉर्ज जो जो रहता है वो जॉर्ज बोलता है कि ठीक है अगर टूटी भी होगी तो समझ लेना वो चीज़ पहले से ही टूटी है

सो जाते हैं सो दिस वॉज द हैपन हाउ टू हाउ दे पैक हाउ दे कंप्लीट देयर पैकिंग फॉर द ट्रेवलिंग ऑल द थ्री फ्रेंड्स जीरोम जॉर्ज एंड हैरिस उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा क्योंकि पैकिंग ऐसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी से गड़बड़ी होती है सो so,

खुद से पैकिंग करना क्यों चाहते थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि उनको लगता था कि वो इस स्किल में वो बहुत अच्छे हैं देन क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस और जब उसने ये कहा कि आप पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दिए दी, छोड़ दीजिए तो जॉर्ज और हैरिस ने कैसा रिएक्ट किया डिड जीरोम लाइक दियर रिएक्शन और जो उन्होंने किया क्या कि जीरोम को वो करना पसंद आया ये आपका थर्ड क्वेश्चन है नाव कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर वाट वज़ जीरोम्स रियल इंटेंशन वैन ही ऑफर टू पैक और जीरोम ने जब ये बोला कि आप पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए तो उसके कहने का क्या मतलब था ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है समरे में आपको सारे अब तक के जितने क्वेश्चन हैं सब के आंसर आपको समरे में मिलेंगे नाव कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डिड हैरिस से आफ्टर द बेग बज शर्ट एंड स्ट वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क और जब पूरा बैग पैक हो गया तो हैरिस ने क्या बोला uh, क्या बोला uh, और जिसकी वजह से उनको दोबारा इस वर्क में लगना पड़ा ये आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे देन क्वेश्चन नंबर सिक्स वाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जीरो माई लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद जीरो हमको कौन सा एक हॉरिबल uh, आइडिया कौन सा विचार उसके मन में आया जो वो डर गया वो टूथब्रश वाला इंसिडेंट इसमें आएगा नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवन वेयर डिड जीरोम फाइनली फाइन द टूथ ब्रश और जीरोम को फाइनली अपना टूथब्रश कहाँ पर मिला ये आपको लिखना है वाई डिड जीरोम हैव टू री ओपन द पैक्ड बैग और वापस जीरोम को अपना जो बैग की पैकिंग थी वो क्यों खोलनी पड़ी वो अपना स्पेक्टिकल्स भूल गया था इसके अंदर आएगा वो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका वॉट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू सॉरी वॉट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई और जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैकिंग करने के लिए बोला और क्यों बोला ओके okay? यहाँ तक तो ये आपके क्वेश्चन हो गए उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है वाइल पैकिंग वाइल पैकिंग द हैपर जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ़ फुलिश एंड फनी थिंग्स टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू यहाँ पर uh, जो खाने के सामान को पैक करते समय क्या क्या जो उन्होंने फनी थिंग्स की जो आपको पढ़ने में मजा आया वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है और जो सही चीज़ें उस पर आपको टिक करना है बस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट डज जीरोम से वॉट डज जीरोम से वॉज मैंटीमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ वॉट डू यू थिंक ऑफ मैंटीमोरेंसी एंड वाई जीरोम ने मॉन्टीमे मोरेंसी के लाइफ का जो एम्बिशन था वो क्या बताया और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं ये आपको लिखना है बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में उसके बाद आप थर्ड वाले में आ जाइए डिस्कस इन द ग्रुप ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑफ द थ्री जीरोम जॉर्ज एंड हैरिस हुक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर सपोर्ट आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि तीनों दोस्तों में से सबसे ज़्यादा बुरा आ, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन था पैकिंग करने में और सबसे ज़्यादा बुरा कौन था आपको इसको रीजन भी देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मेंटी मेन्टीमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग और जो मोन्टीमेरेंसी ने उनके पैकिंग में उनकी क्या मदद की ये आप इसके अंदर लिखेंगे मदद की या गड़बड़ी की जो भी है आप इस क्वेश्चन में आएगा डो यू फाइंड दिस स्टोरी फनी वाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट आपको थर्ड uh, क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो इस स्टोरी को थोड़ा सा फ़नी बनाती हैं तो वो फ़नी मोमेंट्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है हॉल हॉप uh, uh, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेन इन अंडरस्टैंड द समरी और सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी टिल देन गुड बाय